नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। मैं अभी सांद्रा रेंज में हूँ। सांद्रा रेंज का यह गेस्ट हाउस है और आगे आपको दिखाता हूँ कि गेस्ट हाउस में किस तरह की सुविधाएँ मौजूद है। दोस्तों, ये वन विभाग का सांद्रा गेस्ट हाउस है, ठीक टौंस नदी के पार। और जब मैं इस गेस्ट हाउस में पहुँचा तो उससे पहले एक बहुत ही आकर्षक झूला पुल है, जो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने का होगा। आज भी वो झूला पुल ज्यों का त्यों है, जो आपने पहले देखा है। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं अभी गेस्ट हाउस। और गेस्ट हाउस का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितना सुंदर, सौंदर्य से भरपूर। यहाँ आने पर बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया गया। और इसके अंदर जो सुविधाएँ दी गई है वन विभाग की तरफ से, बहुत ही अच्छा। और आप देख सकते हैं, एकदम प्रकृति की गोद में है। आप सुन रहे होंगे चिड़ियों की चहचहाट भी सुनाई दे रही है। मैं पूरा गेस्ट हाउस आपको दिखा रहा हूँ, गेस्ट हाउस के लॉन में हूँ अभी। सामने पे विविध प्रकार की प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं। लॉन में आपको सुविधाएँ मिलेंगी बैठने की, बैठने की सुविधा है। यहाँ चिड़ियों की चहचहाट है। सामने पर पास में बह रही टौंस नदी और बांज, बुरांस, खरसू, मोरू, कैल, चीड़ और अलग अलग तरह की बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। ये झूला पुल जो सामने दिखाई दे रहा है टौंस नदी पे, सांद्रा गेस्ट हाउस जाने के लिए, सांद्रा ही नहीं, यहाँ पे सल्ला गांव है, एक सल्ला गांव में जाने के लिए झूला पुल है। झूला पुल का स्पान बहुत ज़्यादा है, नदी से बहुत हाइट पे है। अधिकांश लोग इस पुल पे डर भी जाते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आता है इस पुल को क्रॉस करने में। पुल की हालत बहुत ख़राब है, अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ यह पुल, बहुत झूला झूलता है। पर आप इसके एक एक पर देखिए, ये देखो, ये यहाँ से टूट रखा है। हम पुल पे अभी चल रहे हैं, पुल की हालत बहुत ख़राब है। ये वन विभाग का है या किसी और विभाग का है, लेकिन इस पुल की मरम्मत करनी बहुत ज़रूरी है। सल्ला गांव के लोग इसी पुल से जाते हैं और तमाम अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ गेस्ट हाउस में आते हैं या इस गेस्ट हाउस में जो सर्विस करते हैं, उन लोगों का रात दिन आना जाना इसी पुल से। तो अच्छा हो इस पुल की मरम्मत हो। पुल की हालत बहुत नाजुक है, मैं आपको एक एक पर दिखा रहा हूँ। कई जगह इसमें टल्ले लग रखे हैं, ये देखो, ये टल्ले लगे हुए हैं कई जगह। लेकिन पुल का मजा ही कुछ और है, आप देख सकते हैं पुल का मजा कुछ और है। इस तरह हम लोग गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं, मैं और रघुवीर भाई। आप देख सकते हैं कितना सुंदर। आप भी जरूर आइए, वन विभाग से इस गेस्ट हाउस को बुक कीजिए, DFO पुरोला से बुक कीजिए और यहाँ एक रात जरूर गुजारिए। बहुत सुंदर नज़ारा है। मैं अगर आप नीचे घुमा दूँ तो ये देखो, सामने पास में नीचे टौंस नदी बह रही है, उसकी सर 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 आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। हाँ, तो साथियों, सांद्रा गेस्ट हाउस जाने के लिए कितना सुंदर रास्ता है। आगे आप देख रहे हैं हमारे कैमरामैन रघुवीर जी, बिल्कुल कैमरे लेकर के तैनात हैं, लगे हुए रास्ते। किधर पहुंच रहे हैं रघुवीर भाई? ये देखो, रघुवीर भाई जो सांद्रा गेस्ट हाउस जा रहे हैं। तो इस तरह का सुबह का मौसम है, तो हम गेस्ट हाउस से अब निकल चुके हैं।